गाइस हमारे यहाँ का बुर्ज खलीफा देख सकते हैं आप। चल झूठा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हे गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस भाई साहब क्या ही बताएं, घर पर बैठे थे, कल होली वाला ब्लॉग हमने आज अपलोड कर दिया और गाइस हम घर से निकल चुके हैं फाइनली ट्रेवलिंग के लिए। तो गाइस हमारे साथ एक बंदा, अभी आपको उससे मिलाते हैं और गाइस हम चल रहे कहीं पर घूमने और अभी आपको वहां पर पहुंच कर फिर आपसे बातें करते हैं। तो है गाइस भाई साहब फाइनली हम आगे कैमरे पे आ चुके हैं, देख सकते हैं और गाइस हमारी साइकिल इसी के साथ गाइस बाई साइकिल हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर हम आपको बताएं वीडियो में। तो गाइस वहाँ पर चलते हैं और वो गाइस जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी आपको वीडियो में पहुँचने के बाद बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा तो इसके लिए कोई बात नहीं, बट गाइस देख सकते हैं इस साइड भी पूरा। हमारे यहाँ का बुर्ज खलीफा देख सकते हैं आप, ये हमारे यहाँ है, काफी ऊंची इमारत है, देख सकते हैं आप टॉप फ्लोर पर देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे ऐसे इमारत गाइस हमारे इंडिया में है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? नहीं। तो गाइस जैसा कि बताते भाई साहब थक चुके, लगभग एक घंटे साइकिल चलाए, एकदम ज्यादा थक चुके हैं और गाइस हमारा पुराना फ्लैट मिल चुका है जो हमने पहले बाई किया था बट अब रहते नहीं थे। तो गाइस देख सकते हैं भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और गाइस अब फिर चलते हैं, आराम हमारा हुआ और मिलते हैं अब आपसे वहां पहुंचने के बाद। तब गाइस अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से जाकर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं आपसे वहां पहुंचने के बाद। A few moments later. तो hey guys, finally भाई साहब हम और पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं पूरा गजब इस साइड, देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस, इस साइड भी पूरा आप देख सकते हैं दूर दूर तक। और गाइस मैं आपको बता दूं जहाँ पर हम आए हैं गाइस ये है अंबेडकर नगर का सबसे बड़ा झील दरवन झील। और गाइस हम यहाँ पर जल्दी आए नहीं अभी, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी आपके साथ एक्सप्लोर कराने। तो गाइस चलते हैं, अभी यहाँ पर दिखेगा नहीं बट थोड़ी दूर है, हमें जाना पड़ेगा, हमारा साइकिल यहीं पर खड़ा रहेगा और गाइस हम चलेंगे वहाँ पर फिर आपको मस्त में एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाते हैं। भाई साहब काफी ऑसम भी और धूप भी काफी ज्यादा हो रही, मतलब फेस वॉश पे लाइट ज्यादा आ रहा होगा गाइस इस साइड से, तो मतलब ब्लैक ब्लैक भूतू लगेंगे। तो गाइस चलते हैं भाई साहब और आपको मस्त में दिखाते हैं, उस साइड भी पूरा देख सकते हैं गाइस। मैं आपको आगे कैमरे से एक्सप्लोर कराता हूँ, पहले एक बार पीछे से आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाता हूँ सिनेमेटिक शूट वाला, फिर दिखाते हैं आपको आगे। फाइनली हम आगे कैमरे पे आ चुके हैं भाई साहब, पीछे देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और गाइस इस साइड हम चलते हैं ऊपर, देख सकते हैं हम नीचे उतर चुके थे बट गाइस अब ऊपर चढ़ रहे हैं। और गाइस इस साइड भी देख सकते हैं दूर दूर तक आपको कुछ ही नहीं दिखाई देगा गाइस, पूरा एकदम पानी पानी है और ऊपर घास आ चुकी है, हरी सी जो परत ऊपर से पड़ चुकी है इसलिए सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। और गाइस चलते हैं उस साइड भी यार, आपको बढ़िया से एक्सप्लोर कराएंगे और फिर मजा आएगा गाइस, बस वीडियो में बने रहो। तो हे गाइस कुछ दूर चलने के बाद हम करीब में पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा झील है। और गाइस मैं बता दूं हम लोग जब रोड पे आए थे रास्ते रास्ते तो वहां पर हमें प्यास लगी थी, तो वहां पर पानी पे पर एक दादी जी से पूछे हम कि कैसे जाना रास्ता, तो वो बताई कि ऐसे चले जाओ ऐसे ऐसे घूम कर बट समझ में आया। तो गाइस हम एक रास्ते से आए हैं बट अभी लगता है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, हमें डर लग रहा है कि उस साइड में जाए कि नहीं जाए। और गाइस पीछे देख सकते हैं मतलब गड्ढा सुखाया जा रहा है पानी से, देख सकते हैं पूरा आ रहा है बढ़िया से उस साइड से पूरा गड्ढा, उसी को सुखाया जा रहा। और गाइस पीछे हमारी आपको दूर तक जो आपको पीछे देख रही है झील, उस वही झील है गाइस, उसी के बारे में हम आए थे एक्सप्लोर करने बट गाइस अभी थोड़ी दूर है, चलते हैं अगर देखते हैं कैसी है कैसा नहीं। और गाइस बहुत गहरा है और यहाँ पर मछलियाँ पाली गई काफ़ी बड़ी बड़ी, और ये अम्बेडकर नगर की सबसे बड़ी झील है यहाँ पर, और कोई झील उल है नहीं बट यही सबसे अच्छी झील है, मानी जाती है अम्बेडकर नगर की झील गाइस।
और ये अकबरपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे लगभग पड़ता है, और हमारे घर से लगभग यहाँ से हमारे घर से 10-10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, चलिए आपको पीछे से दिखाते हैं बढ़िया से। ये रहा नहीं जाता। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं पीछे से गाइस, तो आपको पूरा दूर दूर तक गाइस कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ पानी ही पानी, बट बहुत अच्छा सा गाइस, बट क्या ही बताएं, आपको दिखाई नहीं सकते हम उतने अच्छे से, क्योंकि मोबाइल में मतलब इतना ज़्यादा मतलब धूप इतना तेज़ हो रही है कि क्या ही बताएं आपसे, दिखाई नहीं दे रहा सही से, मतलब कैमरे में आ नहीं रहा, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा। यहाँ से पूरा दूर दूर तक गाइस आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी ही पानी, बहुत गहरा गाइस, इसमें मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी पाली गई। थंबनेल पिक कर रहे थे, थंबनेल वंबनेल ले लिए, बट गाइस इस रास्ते से जाने में बहुत डर लग रहा, पूरा बहुत गहरा गाइस, देखने से ऐसी फीलिंग आ रही, क्या ही बताएं आपसे। और गाइस चलते हैं आगे, यहाँ पर दादी जी हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब रहता है उनका। साइड देख सकते हैं आप, इस साइड जो ये मतलब गड्ढा हुआ है, इस साइड से जो ये ऊपर बांध बना है, इस साइड पूरा पीछे देख सकते हैं आप, इस साइड जो बांध बना है इसी मिट्टी से बनाया गया गाइस, और तभी इतना, और ये काफी गहरा इस साइड है, तो इस साइड कितना गहरा हो सकता है आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। तो फाइनली गाइस भाई साहब चाची जी ने बताया कि बहुत ज्यादा गहरा है, और फिर जो इस साइड से मट्टी आई इधर बनाया गया ये बांध, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, बोल रहे हैं कि हम लोगों को इतना डर लगता है, तुम लोग तो इतनी दूर से आओ, तुम लोग हमके यहाँ आंटी जी हमारा तो फर्स्ट टाइम है, बट क्या ही बताए गाइस। तो चलते हैं उस साइड से दिखाते हैं थोड़ा सिनेमेटिक सूट आपको, फिर चलना है घर, बहुत हो गई। और गाइस धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, एकदम फट रहा है इतना तेज ना, मतलब धूप में जल्दी रहते नहीं आप लोगों के लिए आए गाइस, तो कोई बात नहीं भाई, आपका भाई ना जब तक अच्छी अच्छी जगहों पर जाएगा आपके लिए एक्सप्लोर कराएगा, और वीडियो में आपको काफ़ी मजा आएगा। सकते हैं यही लड़का था जो हमारे साथ आया था, तू बोल भाई कुछ बोल। हाँ गाइस बोल रहा है कि ये बहुत गहरा है, और क्या ही बताएं आपसे, इस साइड देख सकते हैं पूरा पीछे से, अब देख सकते हैं इतनी ज़्यादा यहाँ पर पक्षी। तो गाइस अब हम चलते हैं भाई साहब घर, एकदम थक चुके हैं क्या बताएं धूप में, और घर पहुँच कर फिर करेंगे आपसे बातें, फिर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। तो गाइस चलते हैं घर, हमारी साइकिल वहाँ पर बहुत दूर से गाइस खड़ी है, वहाँ पर ऐसे मतलब वहाँ पर खड़ी करके पार करके चले आए, हमें पता ना कोई ले चला गया होगा तो क्या करेंगे यार। तो कुछ नहीं गाइस चलते हैं अब घर, और फिर मिलते हैं घर पहुँच कर, और फिर करेंगे इस ब्लॉग का एंड। गाइस देख सकते कुत्ते को ठंडी लगी थी, भाई साहब भाग गया नहा रहा था, देख सकते असंभव असंभव। तो गाइस देख सकते हैं हम वहाँ से सीधे यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी साइकिल गाइस ऐसे छोड़कर चले गए थे बेचारी, हमें इतना दूर से वहाँ से यहाँ तक लेकर आई, और हम गाइस वहाँ से आ रहे हैं सीधे, ये वहाँ से देख सकते हैं वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, वहीं से आ रहे हैं गाइस सीधा वहीं से, उस पेड़ से हमारे इतनी दूर तक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस अब चलते हैं घर, और मिलते हैं आपसे घर पहुँच कर। सो है गाइस फाइनली भाई साहब घर पहुँच चुके हैं, और गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इसी बीच करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना भाई साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.